खान महमूदाबाद एक इतिहासकार, कवि और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। 1982 में जन्मे अली महमूदाबाद के पूर्व राजा और विजय खान के पुत्र हैं। उनकी माता के पूर्वज उदयपुर के पूर्व रियासत में वरिष्ठ पदों पर रहे। अली के नाना जगत सिंह मेहता, जिनका वो बातचीत में जिक्र करते हैं, भारत के विदेश सचिव रहे। अली सोनीपत के अशोका विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और इतिहास के सहायक प्रोफेसर हैं। उनकी पीएचडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके से है। उनकी हाल ही में छपी किताब का नाम है पोएट्री ऑफ बिलोंगिंग, मुस्लिम इमेजिनिंग्स ऑफ इंडिया। अली उर्दू और अंग्रेज़ी अखबारों में लगातार लिखते हैं और वो समाजवादी पार्टी के एक सदस्य हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ अली खान महमूदाबाद हैं। अली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। नमस्कार। आपके बचपन की कोई याददाश्त है कि पहली बार आपने अहिंसा के असूल या उसके प्रैक्टिस के बारे में, कैसे आपका परिचय हुआ? असल में यूं तो बराह रास्त अहिंसा के बारे में बात नहीं हुई, लेकिन उसका जिक्र यूं हुआ कि मेरे वालिद मेरे दादा के किस्सा बयान कर रहे थे कि जब वो बहुत छोटे थे तो अंग्रेज़ों, वो लामाटिनिया में पढ़ते थे, वहाँ उनको तरह तरह की चीज़ें अंग्रेज़ बच्चे जो थे और अंग्रेज़ जो थे पुकारते थे, और उस ज़माने में भगत सिंह बहुत मशहूर हुए थे क्योंकि हमारे दादा छोटे थे। तो मेरे दादा ने क्या किया था कि घर में किसी से कहा था कि हमको उनकी एक तस्वीर ला दीजिए, और वो तस्वीर अपने कमरे में लगाई भगत सिंह जी की। और वो एक जो इनकलाबी जो एक जज्बा होता है वो उनमें पैदा हुआ। उस पर फिर बाद में, क्योंकि हमारे यहाँ गांधी जी भी आते थे और हमारे घर आते थे और तमाम लोग आते थे, लखनऊ पैक्ट वहाँ साइन हुआ, तो हमने अब्बा से पूछा कि भाई भगत सिंह क्यों? बहुत छोटे थे, मैं छोटा था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों को बड़ी ज़बरदस्त चोट पहुँचाई थी। तो फिर उस पर एक हमारे दूसरे चचा बैठे थे, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, इनकलाब में तो ये सब होते ही है, खून खराबा होते ही है। तो फिर एक और दूसरा जना बैठा था, कहा लेकिन गांधी जी का भी रास्ता है। तो इतनी छोटी छोटी सी बातें याद हैं। तो मैंने पूछा गांधी जी की क्या बात थी, तो उनका ये कि तशद्दुद उर्दू में जिसको कहते हैं, जिसको अहिंसा कहते हैं हिंदी में, वो नहीं होना चाहिए, यानी खून खराबा नहीं होना चाहिए। फिर मुझे इतना याद है कि बहुत बड़ी बहस हुई थी कि सियासत में और राजनीति में हिंसा क्या उसकी जुज है या नहीं है, यानी, और इस पर बात गई थी कि बुनियाद में क्या चीज़ है। मैं बहुत छोटा था तो ये सब बातें नहीं समझ में आई, लेकिन गांधी जी और भगत सिंह का जिक्र साथ साथ हुआ था। बहुत खूब। और आपकी माता जी की तरफ पर परिवार के जी, आपके जो पर नाना थे जी, मोहन सिंह मेहता जी, वो भी बहुत सक्रिय रहे आज़ादी की लड़ाई में जी, जी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो मेंबर रहे जी, जी। तो उनसे और आपके नाना से बातचीत में कोई याद खास? मैं तो, उन्होंने मुझे देखा, मेरे पर नाना मोहन सिंह जी ने, लेकिन मेरी बहुत खफीफ सी उनकी याद है। नाना साहब को तो खैर मैंने बहुत करीब से देखा, मैं उनको जब भी ख़त लिखता था तो मैं लिखता था योर नेफ्यू योर फ्रेंड आखिर में, क्योंकि उनसे ऐसा एक रिश्ता बना था मेरा। और अहिंसा के बारे में तो खैर खास नहीं थी उनसे बात, लेकिन क्योंकि वो एक डिप्लोमेट रह चुके थे तो इस पर ज़रूर वो जोर देते थे कि कोई ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं है जो बातचीत से हल नहीं हो सकती है। और ये अपने ज़िंदगी से वो कई मिसालें देते थे, अफ्रीका की, चीन की, कई जगह की जहाँ वो रहे, कि भाई सख्त से सख्त आदमी सामने बैठा हो लेकिन आखिर में अगर बात रखनी जानता हो तो बात हो सकती है। जी, उस पर भी बहसें होती थी कि भाई बाज लोग ऐसे होते हैं जो सुनना नहीं चाहते हैं, तो। और ये इतिहास का एक बड़ा तीखा सत्य है कि इतिहास में, मानव इतिहास में सबसे कड़वे मोड़ तब आते हैं जी, जब बिल्कुल कोई एक पक्ष अटल हो जाए अपनी बात पर और दूसरों की बात सुनने को तैयार ना हो। आपने इतिहास में इस विषय पर क्या सोचा है? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि मानव इतिहास जो है वो हिंसा का ही एक सागा है, एक हिंसा की ही कहानी है। आपका क्या सोच है?
क्योंकि आप देखिए हिस्टोरियन ऐसा, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि अहिंसा या फ़कत हिंसा या फ़कत अहिंसा की दास्तान है तारीख यानी इतिहास, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप देखें कि जो बड़ी बड़ी तहरीकें चली हैं कहीं ना कहीं उनके इब्तदाई दौर में या उनकी बुनियाद में हिंसा है, क्योंकि वो एक है फितरती चीज़, एक नेचुरल चीज़ है इंसान की फितरत में इंसान, लेकिन मेरे ख्याल से वो बुनियाद में इसलिए है क्योंकि फिर जो बड़े बड़े धर्म आए या मज़हब आए उन्होंने यही सिखाने की कोशिश की कि इंसान का जो जहन है और इंसान की आत्मा जो है वो खुदी जो उसकी है उसको ऐसे बुलंद करे कि इन चीज़ों से उठ पाए। तो अगर आप जो जिसको अंग्रेज़ी में सिमेटिक रिलीजन्स कहते हैं वो देखिए, तो किस्सा कहाँ से शुरू होता है? काबिल और हाबिल, केन और एबल से शुरू होता है। एक भाई ने दूसरे भाई को मार डाला, ये ओल्ड टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट की ये, लेकिन पॉलिटिक्स तो यहीं से शुरू हो रही है ना, जलन से शुरू हुई कि उनकी कुर्बानी नहीं कबूल हुई तो एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। आप यहाँ देखिए हिंदुस्तान की जो मुकद्दस किताब है श्रीमद् भगवद गीता जी, वो क्या है? इट इज़ ऑन द ईव ऑफ वॉर, यानी जंग होने वाली है और कृष्ण जी और अर्जुन के बारे में के बीच में गुफ्तगु हो रही है कि क्या ये जायज़ है कि नहीं है। वो भी भगवत श्रीमद् भगवत गीता जी महाभारत के एक जुज है, वो भी जाहिर है इसी के बारे में, युद्ध के बारे में है। आमने सामने रिश्तेदारी थे, गुरु थे, शिष्य थे और चेले थे, तमाम कोई किसी का चाचा था, कोई किसी का बुजुर्ग था। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी हैं बुनियादों में। अब सवाल ये उठता है कि इनसे हम इनको किस वक्त जो है और किस तरह से हिंसा को समझा जाए, जब इंसाफ के लिए हिंसा ज़रूरी होती है, और किस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम किस इस ये जो एक हम लोगों के अंदर एक चीज़ होती है, एक जज्बा होता है जो जिसको कहिए हसद या जलन या लालच, ये तमाम चीज़ें जिससे आक्रोश पैदा होता है, इन तमाम चीज़ों से इनको दबाने के लिए, अपनी आत्मा को, अपनी नफ्स को दबाने के लिए, अपनी आत्मा को बुलंद करने के लिए रास्ते बताए गए। इस्लाम ने भी बताए, हिंदू धर्म ने भी बताए, बौद्ध धर्म ने भी बताए, ईसाई और यहूदी धर्मों ने भी बताए, और अब जो सेक्युलर दौर में मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सबसे नया धर्म इंसान ने जन्म दिया है जिसको कौमियत कहेंगे, नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म और नेशनलिज्म में फ़र्क करना चाहिए, तो नेशनलिज्म में इसका कोई हल नहीं है। धर्मों में है, अगर सही धर्म, धर्म को भी बिगाड़ा गया है वो अलग बहस है, और धर्म के नाम पर हिंसा हुई है हर धर्म के नाम पर, लेकिन उसी धर्म में रास्ता भी बताया गया है, लेकिन नेशनलिज्म में कोई रास्ता है इंडिविजुअल को बताने के लिए कि भाई उसको कानून से आप बांध दीजिए, वही एक तरीका है, लेकिन उसी को इख्तियार दे के, चॉइस दे के आप कहिए कि नहीं तुम्हारे नफ्स के लिए ये खराब चीज़ है, तुम्हारी आत्मा के लिए खराब चीज़ है, वो तो फिर नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा के लिए कोई जगह ही नहीं है ना, उस आत्मा के लिए कोई जगह नहीं है। इस संदर्भ में जो इस्लाम में जिहाद को एक अंदरूनी अपने जिहाद बिन नफ्स कहते हैं उसको, जी, कि जो हमारे भीतर की जो हिंसक या जिसे हम कहेंगे नकारात्मक जो हमारी प्रवृत्तियां हैं उनसे उभरने का एक संघर्ष है, उस पे कुछ कहिएगा। देखिए जिहाद असल में होली वॉर के माने में कुरान में इस्तेमाल ही नहीं हुआ, पहले तो ये गलत फहमी दूर कर देना चाहिए जी। क्योंकि बहुत सी गलत फहमियाँ बहुत आम हो गई हैं इस्लाम के बारे में, तो जिहाद को कहीं कुरान में होली वॉर यानी धार्मिक युद्ध के तौर पर इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, उसका अरबी में उसके लिए लफ्ज़ अलग है। जिहाद कहते हैं स्ट्रगल को, संघर्ष को, बल्कि एक बहुत मुझे अभी याद आया सैयद हुसैन नसर जो एक बहुत बड़ी बड़े लेखक हैं और बुद्धिजीवी हैं, अमेरिका में रहते हैं, सूफिज्म और इस्लाम पर बहुत काम किया है, और दलाई लामा के बीच में गुफ्तगू हो रही थी तो हुसैन नसर इसी के बारे में बता रहे थे कि जिहाद के असल माने क्या हैं और जिहाद बिन नफ्स किस चीज़ को कहते हैं। तो दलाई लामा ने उनसे जवाब दिया कि अगर ये जिहाद है तो फिर मैं मुसलमान हूँ, वो है ऑनलाइन आप देख सकती हैं यूट्यूब पर। तो जिहाद उस चीज़ को कहते हैं कि जो जिसको हम लोग कहते हैं आप बेस सेल्फ इंग्लिश में जो कहेंगे, कि वो तमाम चीज़ें जिसकी वजह से हमारी जो एक जिसको इस्तेताद कहेंगे, कैपेसिटी कहेंगे, वो दबती है,
वो चाहे वो, जैसे मैंने अभी कहा, जलन, आक्रोश, हसद. हसद क्या होता है? हसद यानी ग्रीड और जेलेसी, ईर्ष्या, ग्रीड जी. और ये तमाम चीज़ें जो आदमी को दबाती हैं, तो ये नफ्स, इस्लाम में होता है नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, अलग अलग किस्म के सेल्फ्स होते हैं. अच्छा. तो उनको काबू में रखने के लिए तरीका बताया गया है, वो स्ट्रगल है, इनर स्ट्रगल. तो यही आप देखिए कि श्रीमद् भगवद गीता में भी यही श्री अर्जुन, श्री कृष्ण जी अर्जुन से क्या कह रहे हैं, अर्जुन में यही स्ट्रगल पैदा हो रही है कि भाई मैं कैसे करूँ, कैसे मारूँ, क्यों ये जायज़ है, क्या सही है. तो वो असल में जिहाद बिन नफ्स कर रहे हैं, वो जिहाद बिन नफ्स. अब लोगों को बुरा लगे शायद कि मैं इस तरह से समझा रहा हूँ, लेकिन यही है. और ख़ास करके जैसे अगर आप एक नाथ ईश्वरन वगैरह के तर्जुमा पढ़िए, तो उससे पता चलता है कि एक तो खैर श्रीमद् भगवद गीता जी के कई माने निकाले जा सकते हैं, लेकिन एक माना ये भी है कि आदमी अपने विवेक से बात कर रहा है. और विवेक और नफ्स एक उसमें बात हो रही है, और गुफ्तगू कि मैं क्या करूं. तो इसी को कहते हैं जिहाद बिन नफ्स. बिल्कुल. आप ज़्यादातर हिंदुस्तान में ही पले कि बचपन में आप कुछ समय विदेश में थे? नहीं, मैं 11 साल की उम्र में चला गया था इंग्लैंड चला गया जी जी. और फिर ज़्यादातर बाहर ही रहा, फिर आता जाता था जी. ख़ासकर इसलिए क्योंकि ज़बान आदमी अगर भूल जाता है तो अपनी जड़ें भूल जाता है. तो उस पर मेरे वालिदैन ने, माता पिता ने जोर दिया जी. तो मैं आता जाता था, लेकिन तकरीबन मेरे ख्याल से 32 साल की उम्र तक के बाहर रहा, बीच में आया गया जी. आपने अपने नाना का जिक्र किया जो कि थे जगत मेहता, हिंदुस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रहे वो जी. उनका जो एक पूरा दुनिया के प्रति जो एक दृष्टिकोण था, उसकी भी आप पे कुछ इन्फ्लुएंस, कुछ उसका आपका असर पड़ा, क्योंकि वो दुनिया को एक बहुत व्यापक कोऑपरेटिव सेंस में देखते थे, जहाँ तक मुझे समझ आया जी जी. नहीं, उसका बहुत गहरा असर पड़ा इसलिए भी क्योंकि जो उनके वालिद ने, मेरे पर नाना ने संस्था वहाँ बनाई थी, कई संस्थाएं बनाई, एक सेवा मंदिर, एक विद्या मंदिर, और उसमें जो तमाम काम हो रहे हैं, जो स्कूल बनाए, तो उसमें एक तरह से उन्होंने यही अपने एक मिसाल कायम करने की कोशिश की कि भाई बुनियादी तौर पर जो ये देखिए हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है, बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाएँ. रोटी और पानी और गेहूं और इन चीज़ों पर ये तो नहीं लिखा होता है कि इससे पेट हिंदू का भरेगा, इससे प्यास जो है मुसलमान की बुझेगी. तो इसी तरह से शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप सबको सब तक के पहुंचा पाएंगे तो खुद ब खुद जो है समाज में सुधार आएगा. अक्सर लोग समझते हैं कि जो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लोग, तो वो सोचते हैं कि मैं दूसरे को बताऊं. लेकिन ये मेरे और यही मैंने नाना से अपने सीखा है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ या मैंने दुनिया ज़्यादा देखी है, तो मेरा हक कोई बनता है दूसरों को बताने का कि तुमको ऐसे करना चाहिए. ये गलत है, ये इसमें घमंड का एक जुज़ है. और ये होता है जो लोग आजकल की जो सियासी तहरीकें होती हैं या और चीज़ें होती हैं, ये जो संगठन होते हैं, एनजीओ होते हैं, तो कभी कभी सब में नहीं, लेकिन एक वो झलक होती है कि नहीं, इनको बेहतर पता, मुझे बेहतर पता है कि तुम्हारे लिए बेहतर क्या है. तो वो गलत चीज़ है बुनियादी तौर पर. असल में आदमी को वो असलहे दूसरे को दे देना चाहिए, शिक्षा के, शिक्षा ही सबसे बेहतर असलहा है, जो है हथियार है, जिसके ज़रिए वो खुद अपने को बदल पाए. बिल्कुल. क्योंकि जब तक के बुनियादी तौर पर आप खुद अपने को नहीं बदलिएगा, तो वो बहुत नाजुक तब्दीली रहेगी, वो कभी भी कोई भी दूसरा आके उसको बदल सकता है. वो नाना साहब यही कहा करते थे जी. ये इस समाज और इस संस्कार का या इन संस्कारों की क्या भूमिका रही आपके राजनीति के प्रति अपने आप को तैयार करने के लिए? क्योंकि आपके शिक्षा और आपके बैकग्राउंड के हिसाब से आप को उस तरह से कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप राजनीति में कूदें जी. पर आप समाजवादी पार्टी के मेंबर हैं जी जी. तो ये जो पूरे संस्कार थे उनका इस निर्णय या इस डिसीजन में क्या भूमिका रही? देखिए, बुनियादी तौर पर राजनीति अगर बहुत आइडियलिस्टिक
یعنی اس کے معنی بتایا جائیں تو یہ ہے کہ بھائی خدمت خلق یعنی سماج سیوا. اور یہ ہر آدمی ہر نیتا کہتا ہے کہ ہم تو لوگوں کی سیوا کرنے آئے. میں نے چھٹپنے سے دیکھا, ایک تو میرے دونوں ماں اور باپ کے جو خاندان ہیں دونوں وہ ایک طرح سے پبلک سروس میں رہے, تو بچپنے سے ایک تو دیکھتے رہے سنتے رہے کہ یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں ان کو دیکھ, کیونکہ میں پڑھاتا ہوں اشوکا یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس پڑھاتا ہوں اور اس میں کچھ ہسٹری کے بھی شامل ہوتی ہے چیزیں, تو یہ سب باتیں اور لوگ بچوں کو پڑھانا, نوجوانوں کو بلکہ پڑھانا اور ایک طرح سے ان سے سیکھنا بھی یہ بہت ضروری ہے, لیکن کیونکہ سماج کے حالات اتنے بگڑ رہے تھے تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک طرح سے جب تک کہ وہی باتیں جو میں تھیوری میں پڑھا رہا ہوں جا کے میں آزماؤں تو کہ یہ صحیح میں کام کی ہیں یا میں کسی خواب میں رہ رہا ہوں. وہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جو ہم پڑھاتے ہیں اس میں اور جو زمینی حقیقت ہے جو زمینی سچائی ہے اس میں ایک فرق ہوتا ہے. تو ایک طرح سے ایک نئی یہ راجنیتی میں جانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ یہ سمجھنا کہ جو لکھ پڑھ رہے ہیں اس کا کس طرح سے اصل میں جا کے زمین پر فائدہ ہو لوگوں کا. اور زمین پہ جو آپ کے آگے ارد گرد راجنیتی میں کیا اور پورے سماج میں کیا جو آپ کو روزمرہ کی زندگی میں ہنسا دکھتی ہے جو کہ بالکل نظر انداز نہیں کی جا سکتی, ہر وقت آپ کے سامنے ہے, اس سے آپ کیسے جوجھتے ہیں؟ نہیں ہنسا تو یوں تو ہنسا وائلنس نہیں نہیں ہنسا تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ایک تو وہ ہنسا ہوتی ہے کہ مار پیٹ قتل و غارت خون خرابہ, لیکن ہنسا تو ہر چیز میں ہے, ہنسا تو ہمارے سسٹمز میں ہے, ہنسا تو ہمارے آرکیٹیکچر میں ہے, ہنسا تو ہمارے اس میں ہے جس طرح سے ہم شہر بنا رہے ہیں لوگوں کو بسا رہے ہیں, ہمارے سماجک سمبندھ ہیں اس میں بھی ہنسا ہے. تو ہنسا تو ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو سمجھنا اس کو کس طرح سے اس کا حل نکالنا وہ تو خیر لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی اس کے اوپر, لیکن میں بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے دو قسم کی ہنسا اس وقت جو ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں خطرناک ہیں ہندوستان کے لیے. ایک وہ جس کے ذریعے ان لوگوں پر جان بوجھ کے حملے ہو رہے ہیں ان کے دھرم مذہب عقیدے کی وجہ سے, عقیدے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا دھرم ہو, جیسے گوری لنکیش تھیں یا ایم ایم کلبرگی تھے وہ ناستک تھے, اسی لیے ان کو مارا گیا کیونکہ وہ اپنی رائے رکھتے تھے جو الگ تھی. مسلمان بھی مارے جا رہے ہیں, دلت بھی مارے جا رہے ہیں, پچھڑے بھی مارے جا رہے ہیں. اب تو یو پی جیسی جگہ میں جو سور مانے جاتے ہیں کیونکہ اتنی خراب لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو گئی ہے تو وہاں تو وہ بھی ہنسا کے جو ہیں شکار ہو رہے ہیں. تو اس ہنسا کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے سماج میں کمیاں کیا ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم کس حد تک کے یہ جو آوازیں ہیں ان کو شامل کر رہے ہیں پولیٹیکل پروسیس میں, کیونکہ جہاں آپ نے پولیٹیکل پروسیس سے ایکسکلوڈ کرنے کی شروعات کی تو آدمی کا بھروسہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہیں سے ہنسا کا راستہ شروع ہوتا ہے. تو کوئی بھی کسی بھی سماج کا آدمی ہو اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے سسٹم اس میں میرے لیے اب کوئی جگہ نہیں رہی, تو اس کو اپنی آواز سنانے کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کیول ہنسا ہے جس کے ذریعے اب یہ لوگ سنیں گے. یہ صرف بھارت میں نہیں پوری دنیا کی یہ قصہ ہے. تو سب سے ضروری بات اس وقت یہ ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ دلت ہوں چاہے وہ پچھڑے ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں, جب تک کہ ہم اور جو دوسرے جینڈر کے کیٹیگریز ہوتی ہیں ٹرانس لوگ جو ہوتے ہیں جب تک کہ ان کو ہم شامل نہیں کریں, ان کو صرف کہنے کے لیے نہیں کہ تتھا کتھت شامل کر لیا لیکن ان کو محسوس ہو کہ ہم اس کے جز ہیں, یعنی پولیس ہماری بات سنے گی, عدالت جائیں گے عدالت میں ہماری بات سنی جائے گی, کسی ریونیو آفیسر یا ایس ڈی ایم آئی سی او تحصیلدار لیکھ پال پٹواری اس کے پاس ہم جائیں گے تو یہ میری بات سنی جائے گی. تو ہنسا کو ختم کرنے کے لیے تو سب سے پہلا قدم یہی ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے, وہ ایک بہت ہی بڑا سوال ہے. اس میں کہاں تک ہم امید کر سکتے ہیں آج بھی کہ سماج کے استر پہ, کیونکہ میں یہ مانتی ہوں کہ راجنیت ایک چیز ہوتی ہے بازار ایک چیز ہوتی ہے یعنی کہ ویاپار اور کامرس,
और समाज, इस पूरा ये दोनों चीजें बाजार और राजनीति जो है वो समाज की बुनियाद पे खड़ी होती है। तो क्या आज भी आपको उस समाज में ताकत दिख रही है इससे जूझने की? क्योंकि हम ये मान के, मैं तो ये मान के चलती हूँ कि आम आदमी जो होता है वो सामाजिक स्तर पे उसकी कोशिश यही होती है कि कैसे हिंसा को कम से कम करके, अहिंसा ना भी वो अपनाए तो कम से कम वो एक्चुअल वायलेंस को मिनिमाइज करके जीना चाहता है। देखिए, तो ये समाज में ऐसी ताकत अभी भी दिखती है? इसमें दो बातें हैं, एक वो कि अपने जाती मफाद के लिए आप हिंसा को कम करना चाहें, और एक ये कि आप अहिंसा की वैल्यू समझें। आप दो पर्सनल जाती मफाद, यानी अगर आप अपने अपने फायदे के लिए हिंसा कम करना चाहें वो एक सेल्फिश चीज़ हुई, और एक वो कि आप अहिंसा की अहमियत समझें। सिस्टम हमने ऐसा बनाया है, पूंजीवाद जो है, कैपिटलिज्म, और हमारी जो आजकल एक किस्म की राइट विंग पॉलिटिक्स चल रही है, एक दूसरे से सांठगांठ है, मिली भगत है, एक दूसरे को, दोनों में हिंसा बुनियादी चीज़ है, कैपिटलिज्म में भी पूंजीवाद में भी हिंसा, क्योंकि किसी के गरीब के गर्दन पर पैर रख के ही दूसरा नफा पैदा करता है। लेकिन एक और चीज़ है कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में अगर आप यूथ को देखिए, तो पहले ज़माने में, जैसे आपने शुरू में मुझसे पूछा बचपने की आपकी, तो उस ज़माने में लोगों के एस्पिरेशन क्या थे, क्या ख्वाब थे, आज क्या हैं, मेरे ख्याल से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज का जो 18 से 24 25 साल का लड़का लड़की है वो वेल्थ के ख़िलाफ़ नहीं है, वो खुद चाहते हैं कि हम एक सक्रिय ज़िंदगी जिएं, हमारी एक आमदनी हो, हम जो है अपने जगह पर अपने परिवार की खिदमत कर सकें और एक अच्छी ज़िंदगी जिएं। लेकिन इसीलिए मेरे ख़्याल से वो तमाम आइडियोलॉजीज़ जो पूंजीवाद के ख़िलाफ़ हैं उनको अपने को कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है और वो नहीं बदलने के लिए तैयार। यही होता है, एक आइडियोलॉजी जब बन जाती है तो उसको लोग बदलने के लिए वही नहीं होते, आमादा नहीं होते, तैयार नहीं होते। तो एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात यह है कि जहाँ तक कि अहिंसा का ताल्लुक है एज अ फिलोसफी, अहिंसा देखिए तभी तक के आदमी को उसकी कदर होगी जब वो देखेगा कि हिंसा का नुकसान क्या होता है। लेकिन हमारी दुनिया क्या लोगों को बता रही है कि हिंसा से कुछ हासिल होता है, फ़ायदा होता है। और एक और ग़लती मैं जो कहूँगा, जो एक मुमकिन है बहुत लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन वही मैं अपनी बचपने की बात करूँगा कि मैं जब स्कूल में था तो लोग मुझसे कहते थे कि पार्टीशन जो है एक पीसफुल प्रोसेस थी। लोग कहते थे कि गांधी जी ने आज़ादी दिला दी बग़ैर खून ख़राबे के दिला दी। एक हद तक के वो सही है, लेकिन सच्चाई पूरी नहीं है। हम लोगों को स्कूलों में ये नहीं बताया गया कि कितने लाख लोग जो हैं कत्ल हुए इसी प्रोसेस में। वो जो इतिहास है वो होश संभालने के बाद, बहुत बाद में ख़ुद पढ़ा और फिर समझने की कोशिश की, तो जो ट्रॉमा उससे निकला, उभरा, जो एक नफ्सियाती, जो एक कश्मकश में आदमी जो मुब्तला हो गया, एक एक मेंटल जो है ट्रॉमा, जो सिर्फ एक उस नस्ल में नहीं रहता है बल्कि नस्ल, एक नस्ल दूसरे तक के पहुंचाती जाती हैं, मतलब वो जनरेशन से जनरेशन, बिल्कुल लफ्ज़ों के ज़रिए, कहानियों के ज़रिए, हम अपने जो ट्रॉमा हैं, हमको जो मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कहीं ना कहीं बिल्कुल अनकॉन्शियसली, कभी कभी बग़ैर जाने माने हम दूसरों को पहुँचा देते हैं। उसका सामना नहीं हुआ इस मुल्क में, हम लोगों ने उसको सोचा, और फिर वही हुआ कि हर डेकेड में कुछ ना कुछ वायलेंस होती रही जी। फिर वो ख़त्म कर दी गई, स्टेट ने उसको ख़त्म किया, समाज ने उसको नहीं ख़त्म किया, समाज में वो कुव्वतें ताकतें रहीं, और तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हैं इनकी वजह से बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। अहिंसा तो पहले बहुत दूर की बात है, हिंसा का जो नतीजा है उसका सामना करना बहुत ज़रूरी है। आप सीधे हिंसा से अहिंसा नहीं पहुंच सकती हैं, बीच वो जो रास्ता चलना है। साउथ अफ्रीका को जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन था, कि जिन लोगों ने हिंसा की, जो पीड़ित थे उनको बाकायदा एक दूसरे के सामने बिठाला गया, बात कराई गई,
कहा कि भाई सोचो समझो, अगर हो सके तो माफ़ करो। और जैसे हैना एरेंट कहती हैं, बहुत से लोग कहते थे, मार्टिन लूथर किंग कहते थे, गांधी जी भी कहते थे कि फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, माफ़ करना ही, जब तक कि वो माफ़ करना बुनियाद में नहीं, वहाँ से शुरुआत नहीं होगी तब तक कि वो सियासी सफ़र हो ही नहीं सकता है, वो तो फिर हिंसा के तरफ जाएगा। जी जी, ऑफ कोर्स ये माफ़ करने के साथ ये भी जुड़ा हुआ होता है कि जिसने, जो दोषी है, जिसने हिंसा की थी, जिसने दूसरे को पीड़ा पहुंचाई, उसको वो एतराफ करता है, वो कबूल करता है कि मैंने की, बिल्कुल, और वो कुछ हद तक शर्मनाक हो जी और माफी मांगे जी। तो ये हिंदुस्तान में ट्रूथ एंड रेकंसिलिएशन पे आने से पहले जी मैं आपसे ये शेयर करना चाहती थी कि हमारे जो एक बड़े फिलोसोफर रहे रामू गांधी जी, जी उनका कहना था कि वो कहा करते थे आम सभा में जब बोलते थे, तो मैंने एक बार उन्हें सुना कि पार्टीशन में जो इतना भयंकर खून खराबा हुआ और हर कौम का नुकसान हुआ, उसकी हमने कभी उन आत्माओं की अंत्येष्टि नहीं की जी। और उनका कहना था कि देखो एक परिवार में कोई अपने मतलब नॉर्मल कोर्स में भी जब किसी का कोई पूरा होता है, कोई गुजरता है, तो हम उसकी अंत्येष्टि करते हैं, और ये तो इतना बड़ा कांड हो गया एक समाज में, और हम उसकी कभी, तो आज अगर हम ये अंत्येष्टि आज भी करने जाएं तो इसके कुछ स्वरूप आपको आते हैं मन में कि क्या हो सकते हैं, हम उस ट्रॉमा से आज कैसे अपने आप को मतलब प्रोसेस कैसे करें। देखिए अब पार्टीशन के तो 70 साल हो गए जी, तो ये काम होना चाहिए था 50 के दहे में 60 के दहे में जी, और उसके बाद आज तक के कितना खून बह चुका है जी, हर धर्म के लोगों का। तो ये जाहिर है कि बहुत बड़ा सवाल है। मेरे ख़्याल से पहली बात तो ये है कि समाज में जब तक ये एक तब्दीली नहीं आएगी जो सियासत से हट के होगी, देखिए इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं है, इसका सोशल सॉल्यूशन है, और वो समाज जब तक कि, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है समाज ही बनाता है, जो समाज अपने से जूझ रहा है तो वो क्या पॉलिटिक्स को सुधारेगा। तो जब तक कि एक जिसको कह सकते हैं मॉरल लीडरशिप, लोग जो हैं खुद उभरे ना अलग अलग, और इस वक्त लीडरशिप तो की अलग बात है, लेकिन उसका देखिए मैं मानता हूँ कि दिल्ली में जो हुआ वो हिंदू मुस्लिम नहीं था, हिंदू के नाम पर बीजेपी ने और स्टेट ने मुसलमानों को टारगेट बनाया, उसके बाद जो हुआ उसमें दोनों हिंदुओं की जाने गई और मुसलमानों की जाने गई, मुसलमानों की ज़्यादा गई। लेकिन ये जो मीडिया में कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम टेंशन था, नहीं, उसमें स्टेट को आप क्यों हटाए दे रहे हैं भाई, स्टेट सबसे बड़ी चीज़ है, स्टेट्स तो स्टेट ठीक है, वो स्टेट कहीं इस्लाम के नाम पर काम करता है जैसे पाकिस्तान, यहाँ हिंदू धर्म की कोशिश कर रहा है कि, लेकिन स्टेट स्टेट होता है और सत्ता अपने को पूछता है, सत्ता जो है एक दफ़े सत्ते में कोई आ जाता है तो उस सत्ता को बरकरार करने रखने के लिए और महफूज रखने के लिए वो किसी चीज़ का भी लबादा पहन सकते हैं और किसी चीज़ का सहारा ले सकते हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाइत हो, नेशनलिज्म हो, लिबरलिज्म हो, फासिस्टवाद हो, कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, फिर ये पावर को प्रिजर्व करना वो लक्ष्य हो जाता है। तो पहले तो समाज को ये समझना चाहिए, जो अमेरिका की बड़ी एक बहुत खूबी है मैं आपसे कहूँगा, अगर आप फेडरलिस्ट पेपर्स पढ़ें तो उसमें एक आदमी था अलेक्जेंडर हैमिल्टन, उसने लिखा था, और इसीलिए अमेरिका की सोसाइटी तमाम खराबियों के बावजूद, उनकी फॉरेन पॉलिसी नहीं अच्छी है, उनके अंदर एक रेसिज्म है अफ्रीकन अमेरिकन को लेके, जो दक्षिणी अमेरिका के लोग हैं उनको लेके, बहुत सी खराबियाँ हैं, लेकिन एक जो बुनियादी तौर पर खूबी है वो ये है कि वहाँ के लोगों ने ये समझा और कहा कि हमारे लिए उतना ही ख़तरनाक वो दाखिली ताकत है, यानी इंटरनल ताकत है जो एक्सटर्नल एनिमी हो सकती, यानी अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा कि लोगों को उनसे होशियार रहना चाहिए जिनको वो सत्य की जिम्मेदारी देते हैं। हमारे मुल्क में हम सरकार को माई बाप समझते हैं, हिंदुस्तान में, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, उनको पता था क्योंकि गोरों की लड़ाई थी, गोरों ने गोरों से आज़ादी ली, तो वो जानते थे कि इंटरनल मामला है कि हुकूमत भी नाइंसाफ़ी कर सकती है, तो पहले तो ये तिलिस्म तोड़ना चाहिए,
ہندوستان میں کہ حکومت کسی کی ہوتی ہے، کسی کی سگی نہیں ہوتی ہے حکومت. حکومت اچھا ہمارے یہاں کیونکہ وہ سماجک کرانتی نہیں آئی جس کے بارے میں امبیڈکر جی بات کرتے تھے، تو آج ہم لوگ ابھی بھی ستہ دار جو ہوتا ہے، جو اقتدار میں کہیں گے اردو میں جو بیٹھا ہوتا ہے، اس کو ہم اپنے سے بلند سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہو سکتا، یہ تو راج کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن آپ ہی نے ان کو بٹھالا ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے. تو جب آپ پولیٹیکل پرابلم کو الگ کر دیں گے اور سماج میں جائیے گا اور پھر لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے گا، تو اس سے بہت فائدہ ایک ہوگا. اور وہی ایک راستہ ہے میرے خیال سے سماج میں ایک مورل لیڈرشپ. اور وہی جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ دلی میں آپ دیکھیے کتنی اچھی کہانیاں آ رہی ہیں. وہ آدمی جو زمین پر گرا تھا، جس کو مارا جا رہا تھا، اس نے کہا میں معاف کرتا ہوں. ہمارے سکھ بھائیوں نے گردوارے کھولے، ہمارے دلت بھائیوں نے گلیاں بلاک کر دیں لوکل، ہمارے ہندو بھائیوں نے لوگوں کو کی رکشا کی. لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہنسا دلی میں ہوئی وہ بھلے ایک آئیڈیالوجی کے نام پر ہوئی، لیکن لوکل لوگوں، اور میرے خیال سے بی جے پی اسی سے ڈری بھی تھوڑی بہت ہے، کہ لوکل لوگ اس میں اس حد تک کے شامل نہیں تھے. باہر سے لوگ لانے پڑے، پولیس خاموش کھڑی رہی. تو ایک بات تو یہ ہوئی. یوں تو اگر دیکھا جائے تو وہ مجروح سلطان بری کا مشہور ایک شعر ہے کہ مجروح تیرے قافلے کی داستان یہ ہے، رہبر نے مل کے لوٹ لیا رہزن کے ساتھ. یعنی جو رہبر ہے، جو لیڈر ہے، اس نے چور کے ساتھ مل کے اور تم کو لوٹ لیا ہے. تو یہ ہندوستان کی ایک طرح سے سچائی ہے، اور یہی ہماری سیاسی کتھا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. انت میں جو عام آدمی ہے اس سمے کا، عام مہیلا پروش بچہ جو ڈرا ہوا ہے کیونکہ اس کے ارد گرد وہ دیکھ رہا ہے انیہ پرکار کی، جیسے آپ کہہ چکے ہیں، ہنسا وائلنس بڑھ رہی ہے، تو کچھ وچار رکھیے، کچھ آپ ان سے کیا کہیں گے کہ کیسے اپنے آپ کو سنبھال کر، اپنے حوصلے کیسے بلند رکھ کر لوگ اہمسا میں وشواس بنائے رکھیں، اور کیسے اس ہنسا سے جوجھ پائیں. دیکھیے سبھی آیاموں میں، دیکھیے میرے خیال سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتر سے لے کے دکشن ہندوستان تک کے، آپ بھارت تک کے آپ چلی جائیے، یہ دھارمک و مذہبی ملک ہے. لوگوں کی آستھائیں ہیں، لوگوں کے جذبے ہیں، لوگوں کا ایمان ہے، اور وہی ان کو ایک اسٹرینتھ پہنچا سکتا ہے. ممکن ہے یہ بات جو بہت زیادہ لبرل ہوں یا کمیونسٹ ہوں، وامپنتھی ہوں یا سوشلسٹ ہوں، وہ سہمت نہ ہوں یا نہ مانیں، لیکن فیتھ جو ہے، اور فیتھ کی ایک بنیاد ہوتی ہے امید. تو اسلام میں کہا جاتا ہے کہ نا امیدی کفر کے برابر ہے. یعنی امید کو کھو دینا تقریباً یہی ہے کہ آدمی ایمان اپنا کھو دے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. تو امید نہیں کھونا چاہیے، امید پر دنیا قائم ہے. اور ظاہر ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، ظلمت شب میں نظر آئی کرن امید کی. تو ظاہر ہے کہ بھی کالی گھٹائیں بھی ہوتی ہیں، ایسے دن آتے ہیں جس میں آدمی کو محسوس گھٹن محسوس ہوتی ہے، کیا ہوگا، ایک ڈر بھی ہوتا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، اس وقت بالکل ہے ڈر. لیکن میرے خیال سے لوکل لیول پر اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے، تو لوکل لیول پر نیتاؤں کو دور رکھ کے آدمی کو اپنی سوسائٹی کو طاقت پہنچانا چاہیے، سمبندھ بڑھانا چاہیے، ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ستہ دھاری ہیں وہ یہ سمبندھ توڑنا چاہ رہے ہیں. وہ سمبندھ بنانا آپ کے ہمارے ہاتھ میں ہے. اسی کا ہم کو اگزامپل ملا دلی میں. کس شکل میں؟ کہ الگ الگ دھرم کے لوگوں نے، الگ الگ برادری کے لوگوں نے، جاتی کے لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کی. ٹھیک ہے، بہت بڑی لیول پر نہیں کر سکے، ہر آدمی نے اپنی لیول پہ کی. ایک صاحب، ایک سردار جی ہیں جنہوں نے 70 بتائیے 70 چکر لگا دیے موٹر سائیکل پر، لوگوں کو ایک ایک کر کے، دو دو کر کے پہنچانے میں. کتنی بڑی، قرآن میں جو لکھا ہے کہ جو ایک جان کو بچائے وہ یوں سمجھیے کہ اس نے تمام انسانیت کو بچایا ہے، قرآن کی یہ آیت ہے. اور جس نے ایک جان لی اس نے گویا تمام انسانیت کا قتل کیا ہے. اور ایک اور قرآن کی آیت میں یہاں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ منافق یعنی ہپوکرٹ، دوغلا،
وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے. انبیلیور سے بھی زیادہ خطرناک اللہ کے یہ اگر آدمی مانے جو مسلمان مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن, تو آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ منافق سب سے خطرناک ہوتا ہے, منافق قاتل کے برابر ہوتا ہے, اور نرک کے جہنم کے وہ جگہیں اس کے لیے رکھی گئی ہیں جس سے وہ کبھی نکل نہیں سکتا ہے. آج کل دوغلے جو لوگ ہیں سیاست میں بھی اور سماج میں بھی, ان سے بچنے کی ضرورت ہے, ان کو ننگا کرنے کی ضرورت ہے. سماج میں اب بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب اگر ہم یہ پولیٹیکل کرائسس جو ہے اس کا جو سولیوشن ہے وہ سوشل سوسائٹی میں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی اسٹیٹ طے کر دے. یہ کاہلی ہوئی, یہ ایک کاہلی ہوئی کہ ہم کاہلی یعنی لیزینس, یعنی کاہلی یعنی آدمی خود کرنا ہی نہیں چاہتا ہے. یہ کاہلی ہے کہ بھائی ہم تو کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں, حکومت سنبھال لے, حکومت سب ٹھیک کرے. بھائی حکومت ہی تو آپ کا آج سے نہیں ہزاروں سال سے حکومت کا کام یہی رہا ہے, حق دبانا, اپنا فائدہ دیکھنا, گردن پر گلے رکھ کے اور نفع پیدا کرنا, منافع پیدا کرنا, یہ ہر دور میں رہا. اگر جو سلطنتیں گزری, جو رجواڑے تھے انہوں نے یہی کیا, آج بھی جو پونجی وادی طاقتیں ہیں وہ بھی یہی کر رہی ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں یہی ہماری چیزیں حل کر دیں, تو یہ تو ہو نہیں سکتا ہے. تو پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم کو یہ سمسیا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کا حل کرنا ہے, تو ہم کو کرنا ہے. اور ہم ان سے کیسے توقع کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ خرابی پیدا ہو. تو ایک تو یہ جو بھرم ہے اس کو توڑنے کی بہت ضرورت ہے, اور میرے خیال سے وہی ہے کہ محلے کے لیول پر, قصبے کے لیول پر, گاؤں کے لیول پر مشکل کام ہے, لیکن کوشش کریں لوگ بات چیت برقرار رکھنے کی, ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کی. جیسے ہم لوگوں کے یہاں بھائی لوگ جاتے ہی تھے آپس میں دیوالی عید میں. گنگا جمنی تہذیب ایک ایلیٹ چیز نہیں تھی, لوگ بڑے دھارمک تھے, دھرم کے اندر سے جاتے تھے, یعنی اپنے مسلمان اپنے مذہب میں مستحکم تھا, یعنی پکا تھا, اور ہندو بھائی اپنے دھرم میں, اور دھرم ہی سے وہ گنجائش پیدا کرتے تھے برابری کی, سمتا کی. ظاہر ہے اس میں بعض لوگ خرابیاں بھی پیدا کرتے تھے, لیکن وہ لوگ جو بھائی چارہ برقرار رکھتے تھے وہ یہ نہیں ہے کہ گوا کے دھرم کو یا کم کر کے ڈائلیوٹ کر کے, بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی ایک دھارمک ڈیوٹی یہ ہے, مذہب یہ سکھاتا ہے کہ آپس میں بھائی چارہ برقرار رکھو, بیر نہ رکھو. تو یہ سب چیزیں جو ہیں بہت بڑی ذمہ داری میرے خیال سے ہو گئی ہے اب سماج کی اور سماجک سیوا جو لوگ کرتے ہیں ان کی, کیونکہ یہ غلط ہے بنیادی طور پر کہ ہم یہ سوچیں کہ اسٹیٹ جو ہے, جو حکومت ہے, جو سرکار ہے, وہ اس کا سمادھان یا وہ اس کا نتیجہ نکالے گی. بہت 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 شکریہ اور پوری شبھ کامنائیں آپ کے ساتھ. بہت شکریہ.